समाज से बहिष्कृत किए जाने के बाद पुलिस की शरण लेने वाले दिलहरण कर्ज के मामले में अब समाज का स्वर बदलने लगा है। समाज के लोगों ने आज शक्ति में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने दिलहरण कर्ज को समाज से बहिष्कृत नहीं किए जाने का हवाला दिया। आपको बता दें कि माल खरोदा क्षेत्र के पीड़ित निवासी दिलहरण कर्ज ने अंतरजातीय विवाह किया है। दिलहरण कर्ज व उसके परिवार का आरोप है कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण समाज ने उसे पूरे परिवार के साथ बहिष्कृत कर दिया है। समाज से बहिष्कृत किए जाने के बाद पुलिस की शरण लेने वाले दिलहरण कर्ज के मामले में अब समाज का स्वर बदलने लगा है। समाज के लोगों ने शक्ति में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने दिलहरण कर्ज को समाज से बहिष्कृत नहीं किए जाने का हवाला दिया। आपको बता दें कि मालखौदा क्षेत्र के पीड़ित निवासी दिलहरण कर्ज ने अंतरजातीय विवाह किया है। दिलहरण कर्ज व उसके परिवार का आरोप है कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण समाज ने उसे पूरे परिवार के साथ बहिष्कृत कर दिया है। इतना ही नहीं, उस पर बतौर जुर्माना 1.5 लाख रुपए समाज के द्वारा लगाया जा चुका है, जबकि वह घर को गिरवी रख करीब 60,000 रुपए दे चुका है। फिर भी समाज के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने समाज के कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इधर मामला थाने पहुंचने के बाद समाज के ठेकेदारों का सुर अचानक बदल गया है। उन्होंने आज शक्ति में एक बैठक की, जिसमें दिलहरण कर्ज व उसके परिवार को कभी भी समाज से बहिष्कृत नहीं करने का निर्णय प्रस्ताव पारित किया। इतना ही नहीं, समाज के लोगों ने दिलहरण कर्ज व उसके परिवार को समाज से कभी भी बहिष्कृत नहीं करने का निर्णय लिया। मगर अब देखना है कि समाज के इस निर्णय का दिलहरण कर्ज और उसके परिवार पर कितना असर होता है और आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं ही बोलना चाहता था, मैं आडेलपुर क्षेत्र के बरेट समाज के अध्यक्ष दुलेश्वर बरेट मोर नाम है, और दिलहरण वाला मैटर में मैं भी व्हाट्सएप फेसबुक में सब चीज देखे तो मोला तो ये ज्ञात हुई कि अभी तक दिलहरण जो बरेट है पूरा वो सामाजिक खान पान में नाता रिश्ता मन बकायदा होकर घर में आन आज जात है, और कोई भी प्रकार के वह मतलब अभी तक समाज से बहिष्कृत या समाज वाला नहीं छोड़े गए, ये मोला जानकारी है ना, मैं भी पता भी करे प्रकाश छोड़े नहीं है, बोला खान पान बढ़िया नाता रिश्ता सब में चला थे। हमारे बीजेपी के गांव के आदमी है ना, मैं मान खोद नजदीक के आदमी पूरा मैं जाकर जाना था। बसंत कुमार बरेट, जो व्हाट्सएप में जाते अंतर जाति मामला में जो दिलहरण वाला केस के जो चला थे अभी ये वाला व्हाट्सएप में है ना, उसमें दिलहरण वाला कोई प्रकार के समाज से छोड़े नहीं गए हैं, न समाज से कोई प्रकार का बहिष्कृत नहीं किए गए हैं, और समाज में खान पान और आना जाना सब रोटी बेटी सब चलते हैं, और ऐसे तो कोई प्रकार का कोई परिक्षेत्र वाला कोई प्रकार के प्रताड़ित वगैरह नहीं किए गए। आज की बैठक में ये पता चला है कि सामाजिक समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ कि भाई दिलहरण कर्ज पीड़ित वाले मालखुदा क्षेत्र में उनको छोड़ दिया बहिष्कृत। तो हमारे जितने भी समाज के बिलासपुर संभाग के है ना, आपके बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, महासमुंद जिला, रायगढ़ जिला और जांजगीर जिला, कोरबा जिला के सभी सामाजिक बंधु उपस्थित हुए हैं, और वो 17 तारीख को जो बैठक हुआ था 17 जून को उसमें हम लोग निरीक्षण किए, उससे पता चला है दिलहरण कर्ज ने आवेदन किया था कि समाज में मैं दूसरे लड़की की शादी कर लिया हूँ, तो इस संबंध में सामाजिक बंधु उपस्थित होकर के कहना चाहिए उनको निःशर्त मैंने समाज में किसी प्रकार के उनको विवाद नहीं किया गया है, और वो कहना चाहिए उसको सत्यनारायण कथा कहने के निर्देश किया गया है। तो इस आधार पर हम सभी लोग अब पता किए हैं आसपास में, और इस क्षेत्र के हमारे सामाजिक प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो पीड़ित गांव मालखुदा क्षेत्र से लगे हुए उनके रिश्तेदार हैं, इन लोगों से पता भी किए कि कहीं क्या दिलहरण कर्ज का क्या समाज से बहिष्कृत है क्या, तो बोल रहे हैं कि कोई प्रकार के समाज से बहिष्कृत नहीं है, ऐसा बात सामने में आया है। तो हम लोग कहना चाहिए अगर किसी प्रकार से उनको समाज से अगर बहिष्कृत किया गया है ऐसा सुनने में आया है, तो हमारा कहना है उनके परिवार को सम्मान कहना चाहिए, उनको व्यवहार किया जाए, ऐसा करके हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया गया है आज के दिन में, और किसी प्रकार के उनको समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है, ये बात की जानकारी हम सबको हुआ है, और सभी इसमें हमारी सामाजिक बंधु को सूचित है। शक्ति से रामनारायण गौतम की रिपोर्ट, ACN 24।